नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनली न्यूज नेशन में। अभी अभी बड़ी खबर आ रही पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय सेना का पराक्रम और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक देखकर पीछे जाने का बात कर दिया है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अपने ही देश के मंत्रियों को लताड़ा है। अभी कल आपने देखा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था कि मोदी हिंसा भड़का रहे हैं, यानी कि भारत पर आरोप लगाया था। लेकिन आज जब बाजवा ने ये कबूला कि भारत की कोई गलती नहीं है, अगर भारत को कोई उकसाएगा तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं जावेद बाजवा का वो बयान, जिसे देख कर शायद कुछ लोग की आँखें नम हो जाएंगी और कुछ लोग खुशी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत धर्मशाला बना हुआ है, उस धर्मशाला में कुछ ऐसे पंचर पुत्र हैं जिन्हें शायद ये खबर अच्छी ना लगे। लेकिन फिर भी अच्छी लगे ना लगे जरूर देख लीजिएगा, कभी कभी तीखापन भी खा लेनी चाहिए जिससे कि आवाज़ खुलती है। तो इसीलिए उन लोग को चिल्लाना है, बड़बड़ाना है, आंदोलन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, तो एक बार सुन लें ताकि वो अच्छे तरीके से कर लेंगे। बता दूं आपको, पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने बड़बोले, नेताओं को लगाई लताड़, कहा देश को देखने पड़ेंगे बुरे दिन। सोचिए, जो उनके फवाद चौधरी हैं और कुछ शेख रशीद वगैरह हैं जो हमेशा सनाप सनाप बोलते रहते हैं, उन सबको लताड़ा है, कहा कि बेटा शांति से रहो, अन्यथा भारत का मूड खराब हुआ तो सब मारे जाओगे और बुरे दिन नज़दीक हैं। बता दूं, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा पर गठित संसदीय समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पाकिस्तान सेना प्रमुख और आईएसआई चीफ ने राजनेताओं को राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विभाजनकारी राजनीति से बचने की सलाह दी है। उन्होंने आगाह किया कि रणनीतिक चुनौतियों को बाहरी संबंधों के बदलाव देश के लिए घातक हो सकता है। बता दूं आपको, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने देश के बड़बोले नेताओं को जमकर फटकार भी लगाई है। सेना ने तो नेताओं को राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विभाजनकारी राजनीति से बचने की समझाइश भी डाली है। उन्होंने आगाह किया कि रणनीतिक चुनौतियों और बाहरी संबंधों में बदलाव देश के लिए घातक हो सकता है। कुछ ही दिन पहले इमरान खान के बयान से अमेरिका काफ़ी नाराज़ हुआ था। इतना ही नहीं, नेताओं की गंदी राजनीति के कारण ही पाकिस्तान का फ्रांस के साथ संबंध सबसे निचले स्तर पर है। बता दूं आपको, राजनीति पर पाक सेना की नेताओं को दो टूक। सेना और आईएसआई ने राजनीतिक नेतृत्व को बताया कि स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर आम सहमति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। राजनीति को शासन और संबंधित राजनीतिक मामलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, जिसे पाकिस्तानी राजनीतिक हलके में सेना की परोक्ष रूप से दी गई चेतावनी माना जा रहा है। पाकिस्तान के शीर्ष राजनीतिक स्तर पर की गई बयानबाजियों के कारण कूटनीतिक संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। बता दूं आपको, आईएसआई चीफ ने किया है ब्रीफ। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सुरक्षा परिषद पर गठित संसदीय समिति और अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद बनती स्थिति, जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम, चीन और अमेरिका के साथ संबंध को लेकर ब्रीफिंग दी। इस बैठक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी नेताओं को देश के हालात के बारे में जानकारी दे रहे थे। बता दूं, किसी दूसरे देश की लड़ाई में शामिल नहीं होगा पाक, यानी कि पाकिस्तान की पहले से ही फटी थी और भी फटकर हाथ में आ गई है। यानी किसी भी देश में पाकिस्तानी सेना मदद करने नहीं जाएगी। वो भी क्यों फटी है? क्योंकि उसे पता है कि अफगानिस्तान ही ऐसा देश है जहां पर आतंकी हमले होना शुरू हो चुके हैं और अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाने से वहां पर और भी ज़्यादा आतंकी हमले होना शुरू हो जाएंगे। इन सबको देखते हुए पाकिस्तान ने पहले ही हाथ खींच लिया। आखिरकार हाथ क्यों ना खींचे? क्योंकि वही तो सब करा रहे हैं। इसीलिए कमर जावेद बाजवा ने हाथ खींच लिया कि हम किसी देश की लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे। बता दूं आपको, इस बैठक में संसदीय समिति में शामिल दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के सदस्यों के अलावा जो है प्रांतीय मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया था। सेना प्रमुख ने बैठक में शामिल नेताओं को बताया कि इमरान खान सरकार ने अन्य देशों के साथ समानता के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान किसी भी संघर्ष में दूसरे देश के साथ हिस्सा नहीं बनेगा। बता दें कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई में सहायता दी थी, जिसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है बाहरी ताकतें। आर्मी
आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के भविष्य की रूपरेखा बताते हुए आने वाले दुर्दिनों को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि बाहरी ताकतों ने पहले ही पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि 27 में से 26 कार्य योजना लागू करने के बावजूद पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इस्लामाबाद को अब अतिरिक्त रूप से FATF के एक क्षेत्रीय सहयोगी एशिया पैसिफिक ग्रुप द्वारा दी गई 6 सूत्रीय कार्य योजना को लागू करने के लिए कहा गया है। बता दूं, पाकिस्तान के दुर्दिनों के बारे में किया गया गा इस बैठक में नेताओं को ये भी बताया गया कि बाहरी ताकतें देश में अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। बलूचिस्तान में आतंकवाद में वृद्धि और पिछले हफ्ते लाहौर में हुए हमले इसी का परिणाम है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC परियोजना को लक्षित करने के प्रयास भी किए जा सकते हैं। आगे ये भी आशंका जताई है कि पाकिस्तान से विदेशी निवेशकों को डराने की कोशिश भी हो रही है। यानी कि ये हाल है पाकिस्तान का, कितना डरा हुआ है पाकिस्तान अब हमें बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर खबर देख रहे होंगे अभी तक तो आप समझ गए होंगे। आप सोचिए कि जो पाकिस्तान के हमदर्द भारत में बैठे हुए हैं, जो गद्दार जाहिल गंवार भारत में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के दीवाने, उन लोग की तो आज खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि ये सुबह की खबर है और दिन भर उनको ये पचने वाला नहीं है। उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा कि आखिरकार बाजवा ने ऐसा क्यों बोल दिया कि आने वाले दिन बुरे होने वाले हैं, ऐसा क्यों बोल दिया बाजवा ने। लेकिन वहीं पर कुछ पाकिस्तान के मंत्री हैं, फवाद चौधरी हो गए, शेख रसीद हो गए, यानी कि ऐसे अनपढ़ लोग मंत्री बन गए हैं कि ये जब मर्जी जब ऐसा बेतुका बयान दे देते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता। इनके लोग खुद हंसने पड़ते हैं। एक मंत्री थे जिन्होंने बयान दिया था कि हम ऐसा परमाणु हथियार सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो भारत में जाएगा और हिंदू और मुसलमानों की परख करेगा, मुसलमानों को नहीं मारेगा और हिंदुओं को मार देगा। अब आप हमें बताइए कि क्या मुसलमानों के अंदर अलग खून होता है? क्या उनकी चमड़ी अलग होती है? क्या यहाँ के माहौल वातावरण में जो डिज़ाइन है फेस की, क्या उनकी अलग होती है या उनकी अलग होती है? क्या आँखों के रेटिना पर लिखा होता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है? आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा दिमाग कैसे लगा लिया कि ये हिंदू है, मुसलमान है? वो तो यहाँ आकर पता लगा, पैदा होने के बाद इंसान हिंदू और मुसलमान होता है, उसके पहले किसी को पता नहीं होता कि ये हिंदू है, मुसलमान है। तो आखिरकार नामकरण आप करते हैं, तो क्या वो टेक्नोलॉजी जो है जाएगी पूछेगी चचा अपना नाम बता दीजिए, चचा अपना नाम अब्दुल बता देंगे, तो क्या उनको मिसाइल अटैक नहीं करेगी, उनके ऊपर छोड़ देगी? इस तरह से कोई हिंदू बता देगा हमारा नाम अब्दुल है तो क्या उसको भी छोड़ देंगे? तो आपके मिसाइल का मतलब क्या रह गया? तो पहले अपना आपका देखिए, हम तो यही सुझाव देंगे पाकिस्तान को, भारत अभी भी आपके साथ खड़ा है, आपको कोई दिक्कत परेशानी है भारत को बताइए, भारत तुम्हारा बाप है और तुम्हारी मदद भी करेगा। लेकिन बार बार अपने अड़ियल रवैये से जाने जाने वाले मंत्री लोग पता नहीं कौन कौन से बेतुके बयान दे देते हैं, पता नहीं कौन कौन से ऐसी कार्रवाई कर देते हैं, पाकिस्तान को इतना बढ़ावा दे देते हैं जिससे कि इन्हें ही मुँह की खानी पड़ती है। और आज देख लीजिए खुद, अभी कल राष्ट्रपति का बयान आया था पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि मोदी ही नफरत फैला रहे हैं, हम तो शांति की बात करते हैं। अब आप खुद बताइए कि शांति की बात कौन कर रहा है, भारत कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है? क्योंकि अगर पाकिस्तान शांति की बात करता तो आज इतने बुरे दिन उसे देखने ना पड़ते, लेकिन आने वाले समय में और भी बुरे दिन पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये भारत प्लानिंग बना रहा है, जिस तरह से भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ये भविष्य पाकिस्तान का बता रहा है कि वो गर्त में जाने वाला है, वो बर्बाद होने वाला है। अभी भी सवेरा है, भारत के पैर पकड़ ले, और जैसे ही भारत के पैर पकड़ लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी सजाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी, और जो लगातार बयानबाजी उल्टी सीधी करते हैं उससे भी कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। लेकिन अगर ऐसे ही कुकर्म करते रहे, ऐसे ही आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे, तो कहीं ना कहीं ये सब मारे जाएंगे और इनके पीछे मारी जाएगी आवाम, जनता, और उसके बाद फिर बौखलाएंगे, फिर रोएंगे कि भारत हमें माफ़ कर दे, लेकिन फिर भारत बहुत आगे निकल जाएगा और इन्हें माफ़ नहीं करेगा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।